Hey guys, also welcome back to another video. लेके आज भी तुम लोगों के लिए एक और बेहतरीन हिप हॉप न्यूज वाली वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज निकल के आती है हमारी रफ्तार भाई को लेकर। तो शेट्टी शाह जो है उन्होंने थोड़े बहुत एलिगेशन लगाए हुए हैं रफ्तार के बारे में और बहुत सी बातें कही हैं। हसल सीजन 1 से भी रिलेटेड बहुत चीजें कही हैं, जो कि उनको इनवाइट वगैरह किया गया था रफ्तार की तरफ से वगैरह वगैरह, और जो भी उन्होंने स्टेज पे जाके कहा था, गरीबी वगैरह दिखाई थी, वो सब स्क्रिप्टेड था। ऐसा करके उन्होंने बहुत सारी बातें करी है, तो आप लोग देख सकते हो वीडियो। रफ्तार मेरे को बोलता है असल आ रहा है, करेगा ना असल शो, आ रहा है ना तू, बोला हाँ आ रहा हूँ ना असल शो, लेकिन क्या भाई कुछ मिलेगा वगैरह, देखते ही करते हैं, बात भी धोएगा देखते ही करते हैं, चलो ठीक है मिलते हैं। वो टाइम पे बीफ भी हुआ था, फिर भी अपन बोले कि नहीं भाई अपन सबसे सही रहेंगे, अपने किससे अपना, जब तक अपना किससे आड़ी पटेगी तब तक अपन कुछ नहीं बोलेंगे। आने के बाद में असल वाले बोलते हैं कि तुमको गरीबी बतानी है, तुम कहाँ से आए, क्या गए क्या नहीं। वो टाइम पर अपन ने सही में मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें देखी कि, और अभी भी मतलब नाइट में जॉब दिन में स्टूडियो, तुमने मेरे को ब्लॉक कर दिया सबसे बड़ी चीज़। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है कलमिंग की तरफ से। तो कलमिंग का जो एल्बम आया है कल के दिन कोल्ड वर्ल्ड, तो उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। एक दिन के अंदर यूट्यूब पे 1 मिलियन स्ट्रीम्स उसने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब व्यूज। और स्पॉटिफाई की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को थोड़ी देर बाद स्पॉटिफाई पे अपलोड होते हुए दिखाई दिया था उनका, तो ये कहना था कि 2 दिन बाद आने वाला है, पर स्पॉटिफाई ने अप्रूव वगैरह कर दिया जो भी रहता है उनकी तरफ से। तो कल ही के दिन हम लोग को देखने को मिला, लेकिन 10 घंटे के अंदर स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम्स की अगर हम लोग बात करें तो 1,74,000 के करीब था, और अभी तो 2 लाख पार हो गया होगा ऑलमोस्ट, या मतलब हो गया होगा। सो मतलब ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप लोग को भी पता है कि इस पूरे एल्बम में बहुत सारे रैपर्स को शॉर्ट्स लिए गए हैं, और मतलब बीफ वगैरह का सीन भी हम लोग को देखने को मिला है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया था। तो बहुत सारे लोग अज्यूम कर रहे थे कृष्णा कृष्णा के बारे में, तो उसी के ऊपर यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए कलमिंक ने हिट ह्यूमन HD को बता रखा है कि कृष्णा के ऊपर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और जो भी है वो अब आजकल के जितने भी नए रैपर्स आते हैं वो बीट में घुस जाते हैं डायरेक्टली, ना कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं या फिर म्यूजिक निकालते हैं जो कि लोग सुन सकें, तो उसी के ऊपर उनका ये कहना है और उसी के ऊपर वो एल्बम में बात किए थे। तो वो वाली वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। तो गाइस कलमिंग की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि एल्बम में जो भी बोला है वो शॉर्ट्स कृष्णा पे नहीं है, तो मैं भी अभी थंबनेल बदल दूंगा अगर मैं नहीं चाहता मेरे वजह से कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो, क्योंकि ऑडियंस बोल रही थी, अब मैं भी कंफ्यूज ही था। बट ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि कृष्णा पे कोई शॉर्ट्स नहीं है, एंड उनके हिसाब से वो जो लेटेस्ट आने वाले जो रीसेंट रैपर्स है जो भी अपकमिंग होते हैं वो लोग सब लोग बीफ में घुस जाते हैं फेमस होने के लिए, तो फिर समझा करो थोड़ा बात। साथ ही में बात कर लेते हैं हम लोग सिद्धू मूसेवाला X-Divine के गाने के बारे में। चोदनी जो है वो अभी के लिए डिले हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो टेक्निकल इशू है दैट इज वाई अभी के लिए वो स्पॉटिफाई पे हम लोग को रात में देखने को नहीं मिला, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही दिनों में हम लोगों को या कुछ ही देर में हम लोग को शायद से स्पॉटिफाई पे भी नजर आ जाएगा, और यहाँ पर यूट्यूब पे तो पढ़ने वाला है सिद्धू मूसेवाला पाजी के चैनल पे। आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगी, लाइक कर दो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।